आपको किस तरह पता चला कि ये ज्वेलरी सारी तुम ड्रॉअर में रखती हो अंदर? भाई वो क्या है यार, प्लीज खुल के बताओ, इतना नुकसान हो चुका है। बाबा नदीम ने कहा था कि वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहा है और उसके खानदान की रस्म के मुताबिक बेबी शावर में लड़की लड़की अपनी ब्राइडल ज्वेलरी ब्राइडल ड्रेस पहनती है। ऐसा वो नहीं चाहता, उसकी उसकी मॉम ने कहा था। तो तुमने सारी ज्वेलरी उसे दे दी? नहीं नहीं, मैंने ज्वेलरी उसे नहीं दी, मैंने सिर्फ दिखाया था कि ज्वेलरी मैंने ड्रॉअर में रखी हुई है। और तुमने दिखाई और वो सब कुछ उठा के ले गया यहाँ से? भाई ऐसा नहीं है, नदीम ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यकीनन उसके साथ कोई हादसा होगा। हो सकता है कि उसे अपार्टमेंट के लिए और पैसे चाहिए हो, तो अपार्टमेंट के लिए तो मैं ऑलरेडी उसको पैसे दे चुका हूं। नहीं, क्या मतलब अपार्टमेंट के लिए पैसे दे चुका हूं? आप आपने उसे अपार्टमेंट के लिए भी पैसे दिए? अपार्टमेंट तो शायद उसने खुद ही परचेज किया था, लेकिन ₹75 लाख कम पड़ रहे थे तो वो मैंने उसको दिए थे। उसके अलावा ऑन एंड ऑफ मैं उसको कुछ और पैसे देता रहा हूँ, कोई 1.5 करोड़ के करीब दिए मैंने उसे। लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने मना किया था उसे। भाई आपने क्या किया? वैसे आपकी ज्वेलरी वो सब कुछ निकल गया, वो हमारे हाथ नहीं आएगा। भाई ऐसा ना कहें। पापा हो सकता है कि नदीम किसी मुसीबत में हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सर प्लीज,